राजधानी दून में 9वीं देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शाम बॉलीवुड सितारों से सजी रही। इसके साथ ही 3 दिवसीय फेस्टिवल का आगाज भी हो गया। सालों तक अपनी अदाकारी और अभिनय से लोगों के दिलों में अलग अलग जगह बनाने वाले बॉलीवुड सितारों को देख दूनवासी उत्साहित नजर आए। बता दें कि फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने देहरादून पहुंचे बॉलीवुड कलाकारों ने फेस्टिवल के आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इवेंट के जरिए लोगों को अपनी संस्कृति के साथ दुनिया की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। वहीं बॉलीवुड हस्तियों ने देहरादून पहुंचकर देवभूमि उत्तराखंड और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई फिल्म पॉलिसी की जमकर तारीफ की। इन बॉलीवुड कलाकारों ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह का सिनेमा के लिए डेस्टिनेशन है वह कश्मीर की याद दिलाता है, इसलिए जो भी सिनेमा को करीब से देखना चाहता है उसे देहरादून फेस्टिवल में फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों के साथ देहरादून ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से दर्शकों को फिल्म देखने के लिए जरूर आना चाहिए। फिल्म देखने के साथ साथ उत्तराखंड की सुंदरता को भी देखना चाहिए जो कश्मीर की वादियों जैसा महसूस होता है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। नाइन्थ देहरादून फिल्म फेस्टिवल है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा सब देहरादून वालों आइए। सिर्फ देहरादून वालों को नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि भारतवर्ष के जितने भी फिल्म के शौकीन है, फिल्म से कोई भी संबंध रखते हैं, उनको आना चाहिए ये फेस्टिवल देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी सी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में यहाँ दिखाई जा रही हैं, जो कि देखे कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है कि हमारे बीच क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, उसका असली रूप सिनेमा हमको दिखाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, ज़रूर आइए। इसके दो फायदे, एक तो आप फिल्में देखेंगे, सिनेमा से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये देवभूमि है और टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत ही सुंदर। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था इतना सुंदर लग रहा था, मुझे मेरे वतन कश्मीर की याद आई कि जैसे ऐसा लग रहा था कि भाई देखो ये है, ये स्वर्ग है। तो जैसे आपके मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये देवभूमि है, उसके अलावा ये स्वर्ग है, तो आप फिल्म्स के साथ साथ स्वर्ग का भी दर्शन कीजिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, ज़रूर आइए, देहरादून फिल्म फेस्टिवल को एंजॉय कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो देहरादून में ये 9वां वर्ष है, सब उसे मैं अभिनंदन देता हूँ, और ख़ासकर शर्मा जी को, ओके, जिन्होंने ये क्या बोलते हैं संकल्प लिया है, और राजीव शर्मा जी जो पिछले 9 वर्षों से सतत ये फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते आ रहे हैं, और उत्तराखंड में ये फिल्म फेस्टिवल 9 साल से हो रहा है, जिसमें फीचर फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस प्रकार की सारी फिल्मों की जो भी राय हैं वो आजकल ऐसा है कि फिल्म पहले जो देखने को मिलती थी वो कहीं से उसकी एक डीवीडी लाओ या वीसीआर के ज़माने से बाहर की या पश्चिम के देशों की या विश्व का सिनेमा देखने के लिए हमको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी। आज विश्व थोड़ा नज़दीक आ चुका है, खिड़कियाँ खुल चुकी हैं, तो विश्व का सिनेमा और भारत का सिनेमा, इसमें अंतर क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि भारत जो है वो हज़ारों साल से स्टोरी टेलर है, यानी कि कथा कहने वाला अगर पहला देश है तो वो भारत है जी। हाँ, तो हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग ये वर्षों से कहा जा रहा है, और इतने अच्छे अच्छे मेकर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे यंगस्टर्स हैं जो आए, और इस तरह का फिल्म फेस्टिवल हो तो लोगों को भी किस प्रकार का आजकल अच्छा सिनेमा, देखो दो ही प्रकार का सिनेमा होता है, एक अच्छा सिनेमा या बुरा सिनेमा, तो इस प्रकार के सिनेमा से उनकी भी पहचान हो और वो जो ऑडियंस है वो भी प्रगतिशील हो, उनको भी पता चले कि भारत में और विश्व में क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार का सिनेमा बन रहा है। और दूसरी एक बात, मुझे उत्तराखंड बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, मैं देहरादून हरिद्वार के आते रहता हूँ और मेरा प्रिय स्थान है ये। एक तो देवभूमि है जी, यहाँ की फिल्म पॉलिसी बहुत अच्छी है और इसीलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो रहा है जी। इट्स शूटिंग फ्रेंडली स्टेट, बहुत शांत प्रकृति के लोग हैं और यहाँ
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और सिनेमा जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिनेमा का एक भाग हूँ, एक अभिनेता हूँ। और बस ये नाइन्थ है, ऐसे 900वां फेस्टिवल हो, ऐसे मैं अभ्यर्थना करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में मुझे आके बहुत अच्छा लगा और श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं अपने तमाम जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको मैं याद करती हूँ, नमन करती हूँ। और फेस्टिवल में आके मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि हर छोटी जगह पे एक शुरुआत होती है और ये 9th एडिशन है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसके पीछे जो लोग भी लगे हुए हैं उनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अब सवाल ये कि दर्शकों को आना चाहिए जी। पता बड़ा हम ही बैठे देख रहे हैं 3 फिल्में तो हम बॉम्बे में भी कर सकते थे, पर सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत मन से इन लोगों ने फिल्म फेस्टिवल को किया है। तरह तरह की फिल्म होंगी, तरह तरह के विषय होंगे, ऐसा मौका मिलता नहीं, तो सब लोग आए देखें, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और आज पर्यटन दिवस है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे, इसमें उत्तराखंड का बहुत योगदान है। जैसा कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे थे कि भारत के अधिकांश पर्यटक यहाँ पे आते हैं, धार्मिक भी है और वैवाहिक भी है और स्पिरिचुअल भी है, तो सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा क्योंकि देहरादून उत्तराखंड हमारी टूरिज्म स्टेट मानी जाती है। मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, जितने भी आज सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हैं, डिग्नेटरीज उत्तराखंड में ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म पॉलिसीज को ट्वीक करते हुए इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने चर्चा करके स्टेट में इंकरेज किया है फिल्म निदेशकों को और डायरेक्टर्स को यहाँ पे आने के लिए, उत्तराखंड में फिल्म बनवाने के लिए। हमको पिछले 2 साल में कई अवार्ड स्टेट को मिले हैं, उम्मीद भी यही करते हैं कि उत्तराखंड एक पिक्चरिस्ट स्टेट है, बहुत सुंदर जगह है, देवभूमि है, यहाँ पर वीर भूमि है, हमारा रिलीजियस टूरिज्म बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश भर के डायरेक्टर्स यहाँ पर आकर अपनी फिल्म की शूटिंग करें ताकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सुंदरता पूरे देश में पहुँच सके, पूरे विश्व में पहुँच सके और हमारे लोगों को रोजगार मिले। इसका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा 9वां फिल्म फेस्टिवल है, 9 साल हो गए हम लोगों को करते हुए, और जैसे भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको देखते हुए तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और फिल्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड ही बनने वाला है। और उसका हमें अंदाज़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने फिल्म ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था इन 2015 में, तो हमारे पास सिर्फ 20 या 25 फिल्मों की एंट्रीज आई थी, या मोर देन 500 फिल्म्स की एंट्री हैं और नियर अबाउट 100 फिल्म्स तो हमारी उत्तराखंड की बनी हुई फिल्म्स हैं, और जिसमें से करीबन 20-30 फिल्में हम लोग इस समय यहाँ पर 3 दिनों में दिखा भी रहे हैं, और जिसमें हम देश की विदेश की केरला तमिलनाडु मुंबई बेस्ड फिल्म्स हैं, यूपी एमपी एंड इंटरनेशनल फिल्म्स का भी हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज 27, 28, 29 सितंबर सिल्वर सिटी एंड तुलास में। और एंट्री इसके बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, फिल्म की एंट्री फ्री है और आपकी देखने की फिल्म एंट्री बिल्कुल फ्री है। और इसमें जिसमें हम लोग मुंबई से आए हुए जितने भी डायरेक्टर्स एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं वो आके पब्लिक के साथ में रूबरू होंगे, जो यहाँ के जो उत्तराखंड के टैलेंट है उनसे बातचीत करेंगे। आज भी राजेश शर्मा जी ने एक सेशन लिया था 1 घंटे का विद द डायरेक्टर्स ऑफ उत्तराखंड, तो इट वॉज रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर हिम। अभी हम लोगों से उनकी बातें चल रही थी, तो दिस अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से हमारे पास एंट्रीज आ रही है हमें 3 दिन से इसको आगे 4 या 5 दिन का करना पड़ेगा।